नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सलोनी माजी और मैं आप सभी का अपने इस भक्ति हृदय चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे चैनल कैसा लगा, और हमारी ज़्यादा वीडियो पाने के लिए अपनी नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन करें जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो पा सकते। जय माता दी भक्तों, जय माता दी। सभी भक्तों का भक्ति हृदय चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे माता रानी के मंदिर के दर्शन करेंगे। यहाँ दर्शन मात्र से ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जी हाँ भक्तों, हम एक ऐसे ही मंदिर की बात कर रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी शहर में मालवीगंज क्षेत्र में स्थित है। जी हाँ भक्तों, मैं बूढ़ी माता मंदिर के ही बात कर रहा हूँ। जय माता दी। मंदिर में अनेकों किंवदंती है। एक किंवदंतियों के अनुसार मेहरा गांव और इटारसी के मध्य गोमती नदी के किनारे खेड़ापति का निवास था। और बताया जाता है कि जब सन 1812 में राजस्थान में युद्ध हुआ तो कुछ लोग जिनमें बंजारे और मालवाड़ी लोग थे जो कि वहां से पलायन कर गए, और पलायन करने के दौरान वो इटारसी पहुंचे। इटारसी पहुंचने के बाद वहां पर उन्होंने देखा कि इटारसी में अच्छी व्यवस्था, सब व्यवस्था होने के बाद उन्होंने अपने डोरबेल गाय सभी को वहाँ स्थापित कर लिया और अपना कबीला वहीं ठहरा दिया। और वहाँ पर उन्होंने अपनी कुल देवी चिंजासोन की स्थापना की, और जिन्हें आज हम लोग बूढ़ी माता के नाम से जानते हैं। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार सन 1918 में नर्मदी बाई ने कुल देवी चिल सेना का नाम बदलकर बूढ़ी माता मंदिर रखा था, जो कि आज पूरे मध्य प्रदेश में बूढ़ी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की विशेष विशेषता एक और भी है। इस मंदिर की दीवार पर सिक्के चिपकाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और बताया जाता है कि इस मंदिर में नवरात्रि में विशाल यज्ञ हवन एवं हजारों की जनसंख्या में लोग माता रानी के दर्शन करते हैं और माता रानी के भोग प्रसाद एवं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि लोगों द्वारा कि माता रानी के एकमात्र दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।